बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो है सम यूज़फुल सब्स्टिट्यूशंस। पिछले लेक्चर में हमने एक फंक्शन देखा था 1 ओवर a² - x² का स्क्वायर रूट, और उसका इंटीग्रल हमने किया फाइंड किया था, ठीक है। तो ये किसका यानी कि किसका डेरिवेटिव था, किससे ड्राइव हुआ है ये फंक्शन, वो मैं दोबारा से बता देता हूँ कि साइन इनवर्स का, ठीक है। आगे जो भी इसका एंगल आया था वो पिछले लेक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसी तरह का एक और फंक्शन देखेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है इंटीग्रल फाइंड करने के लिए, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन हम करते क्यों हैं, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं पहले फंक्शन, वो फंक्शन जिसको हम इसी तरह से या यूज़ सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहाँ से हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जिस तरह से हमने इस केस में जो हमें गिवन था ये 1 ओवर a² - x² का स्क्वायर रूट, इसमें हमने x को सब्स्टिट्यूट किया था a साइन थीटा के इक्वल, ठीक है। तो इसी तरह से और भी इस बहुत से फंक्शन हैं, तो उनको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक और फंक्शन है सपोज सेकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव लेते हैं पहले, ठीक है। एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकेंट इनवर्स ऑफ x, इसका आप डेरिवेटिव लें तो ये किसके इक्वल आएगा, 1 ओवर x² रूट ऑफ x² - a² के इक्वल आएगा, तो आप बल्कि x² - 1² के इक्वल आएगा, ठीक है। तो आप इसका यानी कि सेकंड इनवर्स का डेरिवेटिव लिया, हमारे पास आया 1 ओवर x² रूट ऑफ x² - 1² तो अगर यहाँ से हम इसका इंटीग्रल फाइंड करें, मतलब कि 1 ओवर x² रूट ऑफ x² - 1² का हम इंटीग्रल फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम इंटीग्रेट करें, तो क्या होगा, ये किसके इक्वल आएगा, ये उसके इक्वल आएगा जिससे ये ड्राइव हुआ है फंक्शन। किससे ड्राइव हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है सेकंड इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव लिया है तो ये फंक्शन आया, मतलब कि इससे ड्राइव हुआ है, मतलब इसका हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, सेकंड इनवर्स ऑफ x के इक्वल आएगा, प्लस c भी लिख देते हैं क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है। तो यहाँ से सेकंड इनवर्स ऑफ x के इक्वल आया। अब इस तरह से ये यहाँ पर तो चले 1 आया हुआ है ना, x² - 1² अगर ये कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए या 10 हो जाए, कोई भी यानी कि 5/2 हो जाए, कोई भी वैल्यू इसकी कांस्टेंट की चेंज हो जाए, तो फिर हम किसका आएगा, सपोज़ मैं कहता हूँ जी के इन जनरल 1 ओवर x² रूट ऑफ x² - 10 ये हो जाए, ठीक है। तो अब ये किसके इक्वल आएगा, इसका इंटीग्रल अगर आप फाइंड करना चाहें तो ये किसके इक्वल आएगा, ये हमने देखना है। तो जिस तरह से पिछले लेक्चर में भी हमने देखा कि हमने कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करके देखी थी तो वो उसके इक्वल नहीं आ रहा था, तो हमने उसकी जगह सब्स्टिट्यूशन यूज़ की थी, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज़ की थी। तो उसके लिए हमने ये कहा था कि ये कांस्टेंट की वैल्यू तो कोई भी हो सकती है, कोई भी चेंज की जा सकती है, तो उसको इन जनरल हमने कह दिया था कि 1 ओवर x² रूट ऑफ x² - a² इस तरह से रख लेते हैं कि a जो है कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो इसका हमने इंटीग्रल फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो किस तरह से करेंगे, तो इसमें हमने जो है सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है। चलें हम इसको जो है सब्स्टिट्यूट करते हैं, किससे रिजेंबल कर रही है, इसकी रिजेंबलेंस आपने देखनी है, मतलब कि ये अगर यहाँ पर 1 डाल दिया जाए a की जगह तो ये किसका डेरिवेटिव बन जाता है, अभी हमने ऊपर देखा कि सेकंड इनवर्स का बन जाता है, तो हम यानी कि सेकंड को ही इसमें यानी कि याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किससे रिजेंबल कर रहे हैं वो आपने देख लेना। तो उसकी जगह आपने x की जगह आप यहाँ पर आपने सब्स्टिट्यूट करना है, x इज इक्वल टू a सेकंड ऑफ थीटा, जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था ना कि एक हमें फंक्शन जो गिवन था 1 ओवर a² - x², तो ये किसका डेरिवेटिव था, किससे ड्राइव हुआ था, साइन इनवर्स से, ठीक है, साइन इनवर्स से, तो इसकी रिजेंबलेंस साइन इनवर्स से थी,
ठीक है, साइन इनवर्स के डेरिवेटिव से थी, तो यानी कि साइन इनवर्स से अगर ये ड्राइव हुआ है तो हमने सब्सटीट्यूशन फिर साइन की थी, ए साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ पर जो हम फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन फाइंड करने जा रहे हैं वो उसका वो किसका डेरिवेटिव किसके डेरिवेटिव से रिजेंबलेंस है उसकी, ठीक है, उसकी है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि इन दोनों में, यानी कि ये दो फंक्शन जो हैं इसमें सिर्फ वन है, ठीक है, और यहाँ पर ए है, बाकी सब सेम है। तो यानी कि रिजेंबलेंस किससे, फिर सीकेंट इनवर्स के डेरिवेटिव से, सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स के डेरिवेटिव से। तो हमने यहाँ पर फिर सब्सटीट्यूशन सीकेंट की करनी है, यानी कि एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट ऑफ थीटा। चलिए अब यहाँ पर हम पुट करके देखते हैं एक्स की जगह, तो क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रल ऑफ वन ओवर ए सीकेंट थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर है यानी कि ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, ये तो हमने एक्स की जगह यानी कि हम पुट कर चुके हैं ए सीकेंट थीटा, लेकिन अब ये हमारा फंक्शन किसका बन चुका है, थीटा का, पहले किसका था, एक्स का था, तो एक्स का फंक्शन था और एक्स के रिस्पेक्ट से ही उसको हम इंटीग्रेट कर रहे थे, ठीक है, उसको एक्स की रिस्पेक्ट से ही डी एक्स यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने इसको इंटीग्रेट करना है। तो लेकिन अब यहाँ पर फंक्शन हमारा थीटा में कन्वर्ट हो चुका है, थीटा का फंक्शन बन चुका है, तो इसको इंटीग्रेट किसकी रिस्पेक्ट से होना चाहिए, जिसका फंक्शन है, मतलब कि थीटा का, डी थीटा होना चाहिए। लेकिन हम ऐसे ही तो नहीं लिख सकते ना कि ये थीटा का फंक्शन है तो यहाँ पर मैं डी थीटा लिख दूँ, हमें जो सब्सटीट्यूशन हमने की है उसको हम उसका डिफरेंशियल फाइंड कर लेते हैं, फिर वहाँ से देख लेते हैं कि हम डी एक्स को किस से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड पे यानी कि ये इक्वेशन जो हमने लिखी हुई है एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, जो सब्सटीट्यूशन वाली इक्वेशन है, इसमें हम इसका डिफरेंशियल ले लेते हैं, डी एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा, बल्कि सीकेंट थीटा का होता है सीकेंट थीटा टेन थीटा, ठीक है, ए सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा, यानी कि डी एक्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, ए सीकेंट थीटा टेन थीटा डी थीटा से, क्योंकि डी एक्स इक्वल है किसके, ए सीकेंट थीटा टेन थीटा डी थीटा के। तो यहाँ पर डी एक्स था, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा इंटू डी थीटा। तो अब ये हमारा फंक्शन बना है, ठीक है, और इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा है। अच्छा, अब जो कैंसिल आउट होती हैं टर्म्स उनको कैंसिल कर देते हैं, ए सीकेंट थीटा ये है और ये ए सीकेंट थीटा आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो बाकी टर्म्स जो बची हैं वो हम लिख लेते हैं। बाकी टर्म्स हैं टेंजेंट ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर और इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। अच्छा, अब हमने जो है इसको मज़ीद हमने सॉल्व करना है, तो न्यूमरेटर में तो टेंजेंट थीटा ही रहेगा और डिनोमिनेटर में आप देखें तो इस इन ये दो टर्म्स जो हैं ए स्क्वायर साइन सीकेंट स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन बन जाएगा। तो आपको अगर एक आइडेंटिटी याद हो, हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है किसके, सीकेंट स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो यहाँ इस आइडेंटिटी से आप देखें तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन के, मतलब कि सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। यहाँ पर देखें आप सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन है, इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो चलें पुट कर देते हैं, इसका इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, और अब यहाँ पर हम पुट करते हैं टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा और इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। अच्छा, अब देखें स्क्वायर रूट है, अब इसको ये ए का भी स्क्वायर है, टेंजेंट का भी स्क्वायर है, तो दोनों के यानी कि स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी हमारे पास जो टर्म्स बचेंगी वो बनेगी ए टेंजेंट थीटा और इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अच्छा, अब ये इस टेंजेंट को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है,
तो ये tangent theta से cancel out हो गया और बाकी क्या बचा हमारे पास terms 1 over a d theta मतलब 1 over a तो constant है इसको तो हम बाहर लेके जा सकते हैं यानी कि a को तो ये बन जाएगा 1 over a तो और यहाँ पर 1 d theta बचेगा ठीक है और आपको मैंने पिछले lecture में बताया था कि 1 का अगर आप 1 को integrate करते हैं with respect to x तो dx आता है d theta के respect से करेंगे तो theta आएगा मतलब कि यहाँ पर हम theta लिख सकते हैं 1 over a तो already पहले से बाहर constant मौजूद है और इसका integral theta हो जाएगा plus c हम लिख देते हैं क्योंकि ये indefinite integral है अच्छा अब theta हमारे पास result theta की form में आया theta का function आया जबकि हमें question में जो given था वो क्या था इसके हम integration find कर रहे थे x के function की यानी कि 1 over x into x square minus a square का square root ठीक है तो x का function था हमारे पास शुरू में तो हमारे पास result भी x में ही आना चाहिए क्योंकि x में हमें function given था तो उसका हमने integral find किया तो इसमें हमने substitution use की थी तब जाके ये theta में convert हुआ था उसी substitution से हम अब जो है theta की value find कर लेते हैं x की form में और वही हम put कर देंगे अपने result में ठीक है तो यहाँ से हम theta अगर find करना चाहें तो ये equal आएगा x over a का secant inverse ठीक है secant inverse of x over a आप यहाँ से कह सकते हैं तो यहाँ put करते हैं 1 over a secant inverse of x over a plus c ठीक है तो ये हमारे पास जो है final result आ चुका है और x का function है हमें चाहिए भी x का function था result में तो वो हम यहाँ पर फाइनली फाइंड कर चुके हैं ठीक है तो मतलब यहाँ पर समझने की बात ये थी कि कोई भी ऐसा फंक्शन हो जो इस फॉर्म में हो मतलब कि हम इसको जनरली इस तरह से कहेंगे जो इस फॉर्म में हो जिसमें ये आ रहा हो एक्स स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ए स्क्वेयर की कोई भी वैल्यू हो सकती है कॉन्स्टेंट है तो कोई भी वैल्यू हो सकती है इसकी जगह ठीक है तो इस तरह से कोई फंक्शन आ रहा हो तो आपने उसमें ये सब्स्टिट्यूशन करनी है एक्स की जगह a secant of theta तब जाके आप उसको आसानी से solve out कर सकेंगे अच्छा ये तो चलें एक substitution थी एक और हम substitution देख लेते हैं कि अगर मैं आपको कहूँ कि एक function आपको given है और उसको आपने evaluate करना है suppose ये एक function है 1 over a square plus x square का square root ठीक है इसको आपने with respect to x जो है इंटीग्रेट करना है तो कैसे आप करेंगे देखें जिस तरह से पिछले दो हमने जो है सब्स्टिट्यूशंस देखी हैं उसमें हमने पहले देखा कि वो फंक्शन किसके डेरिवेटिव से जो है रिजेंबल कर रहा है ठीक है उसकी रिजेंबलेंस किसके साथ है किसके डेरिवेटिव से रिजेंबलेंस है तो यहाँ पर आप देखें अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो टेंजेंट इनवर्स का हमने जो है डेरिवेटिव देखा था टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स इसका अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करें डी बाय डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स ठीक है डेरिवेटिव फाइंड करें वो इक्वल होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 ठीक है का स्क्वायर रूट तो ये क्या उसी तरह से नहीं है बल्कि यहाँ पर स्क्वायर रूट तो नहीं होता ये इस तरह से 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ठीक है तो मतलब कि अब इससे थोड़ा बहुत रिजेंबल कर रहा है इसमें स्क्वायर रूट आ चुका है 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो अगर हमने इसका यानी कि इंटीग्रल फाइंड करना है हमारा मेन अभी पर्पस तो ये है कि हमने इसका इंटीग्रल फाइंड करना है कि इस फॉर्म में कोई भी फंक्शन हो तो उसको हम किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे तो हम ऐसे करते हैं कि टेंजेंट जो है एक्स की जगह ए टेन थीटा को पुट करते हैं क्योंकि इसका जो है ये रिजेंबल कर रहा है इसके साथ तो हम कहते हैं कि सपोज चलो मैं नेक्स्ट पे लिखता हूँ कि हमने किसको जो है इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल हमने फाइंड करना है 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है तो यहाँ पर हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू a टेंजेंट ऑफ थीटा x इज इक्वल टू a टेंजेंट ऑफ थीटा तो चलिए पुट कर देते हैं ये बन जाएगा 1 ओवर
स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर रूट, ठीक है। उसके बाद साथ में डीएक्स तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये अब थीटा का फंक्शन बन चुका है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसका जिस तरह से पहले भी सब्स्टिट्यूशंस में हमने जो किया है कि डिफरेंशियल लेके हम देखते हैं कि हम क्या डीएक्स की जगह रिप्लेस करेंगे। डीएक्स इक्वल आ रहा है ए सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसका मैंने डिफरेंशियल ले लिया, तो डीएक्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं ए सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा से, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा, अब हमने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करेंगे? अब यहाँ से देखें, इस इन दोनों टर्म्स में से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर इंटू वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा और उसका है स्क्वायर रूट, और न्यूमरेटर में जो मौजूद है उसको मैं दोबारा से लिख लेता हूँ ए सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। अच्छा, अब ये जो है ए स्क्वायर, बल्कि हम ऐसे करते हैं पहले इसको यानी कि आइडेंटिटी को यूज़ के, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी हमने पहले भी देखी है, तो वो इक्वल होती है सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल, तो यहाँ पर हम उसकी जगह पुट कर देते हैं वन ओवर ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट और साथ में मौजूद है ए सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। अच्छा, अब इसमें जो है ये तो स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर से इन दोनों स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये विदाउट स्क्वायर रूट बन जाएंगे ए सीकेंट थीटा, और न्यूमरेटर में जबकि ए सीकेंट स्क्वायर थीटा मौजूद है, तो चलें ये तो ए ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, सीकेंट थीटा जो है इसके स्क्वायर को ख़त्म कर देगा और बाकी हमारे पास जो टर्म्स बचेंगे जिसका हमने इंटीग्रल लेना बाकी रहेगा सीकेंट ऑफ थीटा डी थीटा। इसका अब हम कैसे लें, कैसे फाइंड करें इसका इंटीग्रल? चलिए अब हम ऐसे करते हैं कि सीकेंट थीटा का भी यहाँ पर हम इंटीग्रल देख लेंगे, ठीक है, वो भी हमें पता चल जाएगा कैसे। हमने फार्मूलाज में तो देख लिया था कि ये किसके इक्वल है, लेकिन अब यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से वो इसके इक्वल है, ठीक है, तो उसका फार्मूला किस तरह से आया। तो सीकेंट थीटा को अगर आप मल्टीप्लाई करें, सीकेंट थीटा को मल्टीप्लाई करें सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा से, सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा से अगर इससे मल्टीप्लाई किया तो इस सी से डिवाइड भी कर दें सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा, क्योंकि खुद से मल्टीप्लाई किया ना, पहले तो मौजूद नहीं था सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा, खुद से मल्टीप्लाई किया तो खुद से डिवाइड भी हम कर देते हैं, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा और इंटीग्रल साइन भी साथ में डाल देते हैं। अब क्या होगा, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि ये न्यूमरेटर में आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है, सीकेंट थीटा इस सीकेंट थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो, और प्लस आप सीकेंट थीटा को टैन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं सीकेंट थीटा टैन थीटा, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा और इसका इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अच्छा, आप ज़रा गौर करें के जो डिनोमिनेटर में फंक्शन मौजूद है सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा, अगर आप इसको फंक्शन कंसीडर करें और न्यूमरेटर में भी आप अगर देखें तो फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, मतलब कि सीकेंट थीटा का, सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा का डेरिवेटिव आप लेकर देख लें। चले हम ऐसा करते हैं कि इसका डेरिवेटिव ही लेकर देख लेते हैं क्या आता है। सीकेंट सपोज एफ ऑफ एक्स हमारे पास जो है वो क्या है सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू सीकेंट थीटा का क्या होता है सीकेंट थीटा टेन थीटा, और टेन थीटा का क्या होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट थीटा टेन थीटा, क्योंकि प्लस था साइन में बीच में तो मैं सेकंड स्क्वायर को पहले लिख दिया इसको बाद में लिखते हैं एक ही बात है, ठीक है। तो क्या ये वही फंक्शन ही है जो न्यूमरेटर में मौजूद है, मतलब कि डिनोमिनेटर में फंक्शन है, डिनोमिनेटर में फंक्शन है और न्यूमरेटर में एफ प्राइम ऑफ एक्स है यानी कि उसका डेरिवेटिव है, उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू, चलें थीटा है तो एफ
एफ ऑफ थीटा हम लिख लेते हैं क्योंकि वो मिक्सअप हो जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर डी थीटा है, ठीक है। तो एफ ऑफ थीटा नीचे मौजूद है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में एफ प्राइम ऑफ थीटा मौजूद है उसका, यानी कि डेरिवेटिव मौजूद है। तो इसको भी थीटा कर लेते हैं। इसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल होती है, हमने थ्योरम पढ़ा है ये वाला, ठीक है। तो ये होता है नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन एफ ऑफ थीटा। अब इस केस में एफ ऑफ थीटा क्या है, एफ ऑफ थीटा है सेकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रल ऑफ सीकेंट सीकेंट स्क्वेयर थीटा प्लस सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा डी थीटा। इसको हम इंटीग्रेट कर रहे थे ना, ये यहाँ से मैंने उठा के लिखा है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, ये फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस सी इंडेफिनेट इंटीग्रल की वजह से। तो ये हमने इसकी सब्सटीट्यूशन देखी कि यहाँ पर शुरू में हमने कहाँ से इसको स्टार्ट किया था, वन ओवर ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। तो इस तरह का कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, ए स्क्वेयर की जगह यानी कि कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो आपने फिर भी यही सब्सटीट्यूशन यूज़ करनी है, एक्स को रिप्लेस करना है आपने किससे, ए टेंजेंट ऑफ थीटा से। अच्छा, बाकी कुछ मैं सब्सटीट्यूशंस बता देता हूँ आपको इसके अलावा। इसके अलावा ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन आ रहा है टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, तो भी आपने यहाँ से x माइनस ए को जो है सब्स्टिट्यूट करना है a साइन ऑफ थीटा से, ठीक है। उसके अलावा आपके पास अगर मौजूद है x प्लस a का स्क्वेयर रूट या फिर x माइनस a का स्क्वेयर रूट, तब आपने सब्स्टिट्यूट करना है x प्लस a का स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू t, या फिर x माइनस ए का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो ये कुछ सब्स्टिट्यूशंस थी जो आपने याद रखनी है, ठीक है। तो रेफरेंस भी आपको मैंने साथ साथ बता दिया कि क्यों किस तरह से है, उसको हमने ड्राइव भी करके देख लिया किस तरह से सॉल्व होगा, हर एक क्वेश्चन जो है इस तरह का होगा, तो सॉल्व भी बिल्कुल इसी मेथड से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब इस सब्स्टिट्यूशन के टॉपिक को ख़त्म करते हैं और साथ ही इस लेक्चर का टाइम भी ख़त्म हो चुका है, तो इस लेक्चर को भी यहाँ पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे, जिसमें इन सब्स्टिट्यूशंस की ज़रूरत हमें पड़ेगी।